हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुख्यमंत्री सिकु कमाओ योजना में इसकी जानकारी और इसके साथ अभ्यर्थी का पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अभ्यर्थी पंजीयन से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रशिक्षण कोर्सेस नाम का एक ऑप्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप किस सेक्टर में हैं और आपने कौन सा कोर्स कर रखा है। वह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की फैक्ट्री या काम या फिर किस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी, इसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू साइबर ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंदर पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं और पंजीयन करने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यह साइट हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको अभ्यर्थी पंजीयन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश नाम का एक ऑप्शन आएगा। इसके अंदर 7 पॉइंट दिए हुए हैं। इस योजना में पंजीयन करने से पहले समग्र आईडी अनिवार्य होगी। समग्र आईडी में मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो चालू होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको आधार कार्ड से समग्र आईडी की ई केवाईसी आवश्यक है, वह होनी चाहिए। ई केवाईसी के बाद में यहाँ पर आपको पंजीयन करते ही आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे, उससे आप लॉगिन करने के बाद इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर 12वीं आईटीआई या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो भी आपने की हुई है उससे संबंधित जो भी अंक सूची है उसको स्कैन करने के बाद, इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है 12वीं आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर डिग्री कर रखी है तो उसकी जो मार्कशीट है उस मार्कशीट का पीडीएफ बनाकर आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर रखना है। पीडीएफ आप या तो स्कैन करने के बाद बना सकते हैं या फिर आप मोबाइल के अंदर जैसे कि कैम स्कैनर वगैरह जो भी एप्स चलते हैं उन एप से भी आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। पीडीएफ आपकी 500 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसको तैयार रखें। और बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। जो भी आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो भी गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पेमेंट डालेगी, जो भी सैलरी डालेगी वह आपके डीबीटी के द्वारा डलेगी, आप डायरेक्ट खाता नंबर से उस सैलरी को आपके खाते में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको अपने बैंक खाता को आधार से लिंक करवाना है और साथ में डीबीटी भी करवाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम पात्रता क्या रहेगी, तो 18 से 29 वर्ष तक होना चाहिए, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता 12वीं आईटीआई या फिर इससे उच्च, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखे तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो भी हो आपकी शैक्षणिक योग्यता डालनी है, आपको मिनिमम 12वीं चाहिए या फिर 10th के बाद आपने आईटीआई कर रखी है तो वह भी चलेगी। इसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना समग्र आईडी दर्ज करना है। समग्र आईडी यहाँ पर जो आपके नाम के आगे वाली जो समग्र आईडी है वह दर्ज करना है, हमें परिवार आईडी दर्ज नहीं करना है। यहाँ पे समग्र आईडी दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद सत्यापित करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपको नया पेज मिलेगा पंजीयन फॉर्म का। यहाँ पर आपको ओटीपी भेजना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेज सकते हैं। तो आप एसएमएस या व्हाट्सएप जो भी आप चूज करना चाहे चूज करें और ओटीपी भेजे पर क्लिक करें। इसके बाद ओटीपी एंटर करें और सत्यापित करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने पंजीयन फॉर्म खुलेगा जिसके ऊपर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम, आपकी आयु, फोटो, सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सब कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स है नीचे, इस पर क्लिक करें और इसके बाद वाला चेकबॉक्स पर भी क्लिक करें। यदि आपके समग्र में आपके व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो पीछे वाला चेकबॉक्स क्लिक ना करें, यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दर्ज करना रहते हैं। यदि आपके समग्र में आपका व्हाट्सएप नंबर ही है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी को चेक करें, वहां पर आपको एक ईमेल प्राप्त हुआ होगा जिसके अंदर ओटीपी होगी। ओटीपी डालने के बाद सत्यापित करें पर क्लिक कर दें। सत्यापित करने के बाद यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स दिखेंगे जिसके अंदर फर्स्ट वाला रहेगा कि इस योजना के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता हूँ या करती हूँ, इसको चेक करें। इसके बाद मैं ऐसे ट्रेड प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण के लिए आवेदन नहीं करूंगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, काम कर चुका हूँ, इस पर क्लिक करें। इसके बाद मुझे ज्ञात है कि यदि मैं फर्जी प्रतिष्ठान प्रशिक्षण प्राप्त करता हुआ पाया जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे योजना अंतर्गत भुगतान की गई धनराशि की वसूली कर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, इस पर भी क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दें। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पंजीयन सफल हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर आपको अपने
ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो चुके होंगे। उनसे लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन करना रहता है। अब आवेदन किस प्रकार से करें इसका वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप बिना गलती के किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।